सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम आपके सामने एक और नए तरह का क्वेश्चन लेके आए हैं DI के अंदर। दोस्तों DI काफ़ी तरह की हो सकती है और UGC नेट के अंदर वैसे तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देते वो और हम समझ नहीं पाते और हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। DI के अंदर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। दोस्तों आप सभी के सभी पाँचों के पाँचों क्वेश्चन बिल्कुल राइट कर सकते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं 25 जून 2019 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो पांच क्वेश्चन आए वो हम आपके सामने करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप देखना कि आप बिल्कुल आसानी से किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं और पांचों के पांचों क्वेश्चन बिल्कुल राइट आप किस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों हमने NDA UGC नेट दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी, सुबह की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसने यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, यहाँ पे क्या है कि छात्र और छात्राएं यहाँ पे दी हुई है, यानी कि जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनकी संख्या यहाँ पे दी हुई है, ये देख सकते हैं। और ये इन्होंने सब्जेक्ट दिए हुए हैं और ये इनकी कुल संख्या है किसी क्लास के अंदर। अब देखिए इसने क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन हम देखते हैं कि अंग्रेजी तथा हिंदी विभागों में कुल मिलाकर छात्राओं की कुल संख्या क्या है। और सबसे पहले हमें ये देखना कि यहाँ पे ये देखिए दोस्तों छात्राओं का प्रतिशत दिया हुआ है, ये इनकी संख्या नहीं है ये प्रतिशत है। और हमें क्या निकालना है, छात्राओं की कुल संख्या निकालनी है, किस किस के अंदर, अंग्रेजी तथा हिंदी के अंदर निकालने हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम अंग्रेजी और हिंदी देख लेते हैं। अंग्रेजी ये है और हिंदी ये है और छात्राओं की पूछा है तो छात्राओं की एक तो ये होगी और एक ये होगी, ये है हमारे पास परसेंटेज है। और टोटल संख्या कितनी दी है दोस्तों, 300 और 250 यहाँ पर दी हुई है। यहाँ से हमें क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पर रियल वैल्यू निकालनी है। ये 55% है, 55% की 55% है दोस्तों। अब हमें ये देखना कि कुल वैल्यू 300 है, 300 का 55% कितना होगा, फिर ये 60 है, 60% 250 का 60% कितना होगा, वो दोनों निकाल के हमें प्लस करना है और फिर बताना है कि इसकी कुल संख्या कितनी होगी। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अंग्रेजी की, बात करते हैं अंग्रेजी हमारा ये रहा, इसके अंदर छात्रों का प्रतिशत कितना है, छात्राओं का प्रतिशत कितना है दोस्तों, 55% यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमने 55 लिख लिया। मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास कुल संख्या होती है वो हमने लिख लिया और परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बटे में 100 करते हैं। अब देखिए 20 से ये 20 हमारी, ये 20 कट गई, अब हमारे पास क्या रह गया, 55 × 3 यहाँ पर रह गया। 55 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 165 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि अंग्रेजी के अंदर छात्राओं की संख्या कितनी है, 165 है। उसके बाद हम देखते हैं हिंदी में, हिंदी हमारे पास ये है, हिंदी में छात्राओं का प्रतिशत कितना है, 60% यहाँ पे दिया हुआ है और कुल संख्या कितनी है, 250 यहाँ पे दी हुई है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 60 × 250 / 100 यहाँ पे किया और 10 से हमारी ये 0 कट गई और 10 से हमारी 60 वाली ये 0 कट। अब 6 को जब हम 25 से गुना करेंगे तो 25 × 150 यहाँ पे आ जाएगा, 25 × 150 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को हम प्लस करते हैं, 150 को और 165 को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा दोस्तों, हमारे पास आ जाएगा 315 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब इसमें बताइए दोस्तों क्या मुश्किल है, कुछ भी तो मुश्किल नहीं है। ये देखिए जोड़ घटा गुना भाग परसेंटेज निकालना, ये हमने 8वीं 10वीं क्लास में किए हुए हैं, बस अब हमें इनको थोड़ा रिवाइज करने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं UGC नेट के अंदर, अब तो काफ़ी आसान आने लग गए। 2019 के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भी हमारे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे।
चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इसके अंदर इन्होंने क्या दिया है, किस विभाग में छात्राओं की संख्या ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग विभाग दिए हुए हैं, यहाँ पे इनमें ये पूछा हुआ कि किस विभाग में छात्राओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। अब देखिए मैंने बताया कि ये क्या है, ये परसेंटेज है और ये हमारी संख्या है। अब देखिए इसमें वैसे तो ये लग रहा है कि 60 है, 60% ज़्यादा इन सभी के अंदर, लेकिन दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछा, यहाँ पे संख्या पूछी हुई है। अब देखिए 60 को जब हम 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया था दोस्तों, 150 आ गया था, 150 हमने वैल्यू निकाली पीछे। लेकिन जब हम 45 को 415 से करेंगे तो इसकी वैल्यू अलग आएगी। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पे एज्यूम नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें इन सभी का निकाल के देखना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन आएगा। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान यानी कि ये है भौतिक विज्ञान, इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे छात्राओं का प्रतिशत कितना दोस्तों, 45% दिया हुआ है और कुल संख्या कितनी है, यहाँ पे 450 है, ये हमने 450 लिख लिया। और अब बात आती है दोस्तों, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई 100 क्यों नहीं किया। दोस्तों हमें क्वेश्चन निकालना है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू वगैरह नहीं निकालनी। अगर यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते तो हम मल्टीप्लाई 100 करते और देखते कि क्या आंसर आता बिल्कुल एक्यूरेट। हमें यहाँ पर ये देखना दोस्तों कि किसकी संख्या ज्यादा है, तो एक टाइम के लिए आप 100 भूल जाइए, 100 हम यहां पे नहीं लगा रहे, 100 को हमने कट कर दिया, बगैर 100 लगा के हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए भौतिक विज्ञान में 45 को जब हम 450 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20,250 आ जाएगा। अब उसके बाद में रसायन विज्ञान आता है दोस्तों, रसायन विज्ञान हमारे पास ये है, इसमें 35 गुना में 550 करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 19,250 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद करेंगे हम अंग्रेजी, अंग्रेजी यहाँ पे दिया 55 गुना में 300 करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास 16,500 आ जाएगा। इसी तरीके से गणित का करेंगे, 40 गुना में 500 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास दोस्तों 2,000 आ जाएगा। इन सभी के अंदर देखिए दोस्तों, इन सभी के अंदर भौतिक विज्ञान की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दी हुई है। अगर हम इन सभी के बटे में 100 करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो भी भौतिक विज्ञान की जो वैल्यू है वो ज़्यादा ही आएगी। तो हमें यहाँ पर 100 करने की आवश्यकता नहीं है, डिवाइड बाय 100 करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल ये पता करना है कि किसकी संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल गया दोस्तों कि भौतिक विज्ञान की जो संख्या है वो ज्यादा है। तो यहां से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है, अंग्रेजी विभाग में, सबसे पहले हम बात करते हैं अंग्रेजी विभाग, ये हो गया छात्रों की संख्या। अब देखिए किस में पूछा है, छात्रों की संख्या इन्होंने पूछा है, छात्र ये रहा हमारा, छात्रों की संख्या अंग्रेजी विभाग में हमारी ये होगी 45, तथा गणित विभाग में छात्रों की संख्या, गणित ये हो गया, गणित में भी छात्रों की संख्या ये 60 होगी, की संख्या का अनुपात हमें निकालना है दोस्तों। अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने प्रतिशत का अनुपात नहीं पूछा, छात्रों की संख्याओं का अनुपात पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम जैसे अंग्रेजी में छात्रों की संख्या कितनी है वो निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, 45 गुना में 300 बटे में 100 जो करते हैं उस तरीके से हम निकालेंगे। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को, इसमें सबसे पहले हम गणित में देखते हैं, गणित हमारा, इसमें सबसे पहले हम अंग्रेजी में देखते हैं, अंग्रेजी हमारा ये है 55 गुना में 300, 55 गुना में 300 हमने किया, ये आ गया 13,500 आ गया। यहाँ भी हम 100 करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आप चाहे तो डिवाइड बाई 100 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आगे दोस्तों गणित, गणित हमारा ये है, तो इसमें क्या हो गया दोस्तों, 60 गुना में 500 हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3,000, यहाँ से कितना आ जाएगा, 30,000 हमारा आ जाएगा। अब देखिए अब हमें इनमें अनुपात पता करना है, ये हमारी संख्या आ गई, अब संख्या का अनुपात हमें पता करना है। अनुपात के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 13,500 बटे में 30,000। अब देखिए दो जीरो से हमारी ये दो जीरो कट गई, अब ये कितने पे कटेगा दोस्तों, 3 पे हम कट करते हैं। अब देखिए 3 पे हम इसको कट करते हैं, ये हो जाए दोस्तों 1003 कम 3 और ये आ जाए ये। अब ये देखिए ये क्या होगा, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15 आ गया। अब देखिए अब कितने पे कट रहा है, ये 5 पे कट रहा है दोस्तों, 5 नीमा
45 और नीचे कितना आ जाएगा 20 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 9:20 हमारे पास यहाँ पे आ गया, 9:20 कहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में ये देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आप प्रैक्टिस करके देखना दोस्तों, ये जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप वीडियो देखने के बाद इनका स्क्रीन शॉट लेना और इनको कर करके देखना क्या ये आ रहे हैं या आपको नहीं आ रहे। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब लिख सकते हैं आपको कोई भी परेशानी है तो। चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 33 है। इसके अंदर कहा है कि किस विभाग में छात्रों की न्यूनतम संख्या है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि छात्रों की जो संख्या छात्री रहा इसमें सबसे कम संख्या किस विभाग में है वो हमें पता करना है। अब देखिए इसके अंदर भौतिक विज्ञान दिया है, भौतिक विज्ञान हमारा ये हो गया, फिर अंग्रेजी ये हो गया, हिंदी ये हो गया और गणित हमारे पास ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे छात्रों की संख्या यानी कि पहले हमें इनके अंदर पता करना है, फिर ये पता करना है, फिर हमें ये पता करना है और फिर हमें ये पता करना है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो लॉजिक भी लगा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए इसके अंदर 55 को जब हम 450 से गुना करेंगे तो ये काफ़ी बहुत बड़ा आएगा, फिर 45 को 300 से कम करेंगे तो ये थोड़ा कम आएगा, फिर देखिए 40 को 250 से गुना करेंगे, फिर 60 को 500 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा हिंदी का है दोस्तों, ये देखिए आप थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश कीजिए, ध्यान से देखिए 40 गुना जब 250 करेंगे तो इसकी वैल्यू सबसे कम आती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ से आप जल्द, अगर आपके पास टाइम कम है तो यहाँ पर जल्दी से आप ऑप्शन नंबर 3 पर राइट क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप करके देखना चाहो तो करके भी देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों हम करके देख लेते हैं, भौतिक विज्ञान 55 गुना में 450 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 24,750 आ जाएगा, अंग्रेजी में इतना आ जाएगा, गणित में इतना आ जाएगा और हिंदी में इतना आ जाएगा। तो इन सभी में आप देख सकते हैं कि जो हिंदी की वैल्यू है, हिंदी में छात्रों की जो संख्या है वो सबसे कम यहाँ पर हमारे पास आ रही है। और कई दोस्त इसमें ये भी कह सकते हैं कि सर बच्चों की जो संख्या टोटल संख्या तो यहाँ पे 500 से ज़्यादा है ही नहीं, लेकिन आप निकाल रहे हैं 10,000 निकाल रहे हैं। दोस्तों ये 10,000 नहीं है, यहाँ पे हमें डिवाइड बाय 100 भी करना है। 100 हम कब करेंगे, जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे अगर ये दिया हुआ होता कि छात्रों की न्यूनतम संख्या कितनी है, अगर वो कितनी पूछते ना तो हम डिवाइड बाय 100 करते, लेकिन हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल जल्दी और आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप हमें पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का हमारा ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।